हार्ड वर्क और एफर्ट इन राइट डायरेक्शन विद प्लान इन माइंड, इन चीज़ों का कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, आपने रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज हासिल कर की हुई हैं जो जिनकी मार्केट में डिमांड है, तो फिर जॉब ना मिलना जो है ना, ये हो नहीं सकता। आईटी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम इसमें कौन सी चीज़ पढ़ें, किस चीज़ का स्कोप ज़्यादा है, किस चीज़ की मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है। अपनी स्टडी के दौरान कम से कम कोई एक कैरियर पाथ अपना अपनाएं, ताकि और उस कैरियर पाथ से रिलेटेड स्किल्स डेवलप करें, ताकि जो ही वो इंडस्ट्री की तरफ आएं तो उनको जॉब हासिल करने में दुश्वारियां ना हों। मेरे नज़दीक जिस फील्ड में सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आईटी के अंदर, वो है एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो जितनी डाइवर्सिटी बिजनेसेस के अंदर है, उतनी ही डाइवर्सिटी फिर आपके पास आपके कैरियर के अंदर पैदा हो जाती है, अगर आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स में महारत हासिल करते हैं। कि हर तरह की बिज़नेस एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि ईआरपी सिस्टम, बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंटरप्राइज पोर्टल्स, फिर इसके अलावा बिज़नेस टू बिज़नेस सॉफ्टवेयर्स, बिज़नेस टू कंज्यूमर सॉफ्टवेयर्स, तरह तरह की बेपना किस्मों के सॉफ्टवेयर हैं जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपर ने बनाने होते हैं। तो बैक एंड के लिए हमने तीन चीज़ें देख ली, जावा एंटरप्राइज एडिशन, स्प्रिंग फ्रेमवर्क और नोड जेएस। अगर ये तीनों चीज़ें या इनमें से कम अज़ कम एक या दो चीज़ें आप अपनी स्टडी के दौरान इनमें आप अपनी ग्रिप कर लेते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल आपको जॉब स्टार्ट करने में कोई मुश्किल पेश आएगी। डे बाई डे लोग जो हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर के बाद लैपटॉप पे आए, और आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में मैक्सिमम लोगों के पास टाइम तक नहीं है लैपटॉप खोलने का, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो मोबाइल के ऊपर आ चुके हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है ना, वो भी बड़ी तेज़ी से एक फील्ड बनती जा रही है। इसके बाद आती है गेम डेवलपमेंट, ये भी एक फील्ड है, इसमें भी काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी काम हो रहा है। एक और फील्ड है जिसको हम एम्बेडेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, या जिसके अंदर आप सी या सी प्लस प्लस के अंदर कोड जो है वो लिख के तो चिप्स के अंदर एम्बेड करते हैं। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर बिग डेटा एक चीज़ है, फिर इंटरनेट ऑफ थिंग जिसको IoT कहते हैं, इसके बारे में काफ़ी कुछ हो रहा है। वो कहते हैं कि चाहते सभी हैं कि हों औजे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। यानी दिल साहब का करता है कि हम जो है ना वो आसमान की बुलंदियों को छू जाएं और आला तरीन जॉब पे फायज हो जाएं और अच्छी पे हमें मिले और सब कुछ हो, मगर उसके लिए दरकार जो एफर्ट है या जो जो लगन या मेहनत है, वो करने के लिए ना बहुत कम लोग तैयार होते हैं। तो ख्वाब जो है ना वो ज़रूर देखें, मगर उनको पूरा करने के लिए जो रोड मैप है, जो लगन है, जो मेहनत है, जो प्लान है, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। अगर उसके लिए आप तैयार हैं तो फिर स्काई इज़ द लिमिट, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की वीडियो शुरू करते हैं जी। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो यकीनन बहुत से लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस होगा। एक सवाल जो हर स्टूडेंट अपनी स्टडी के दौरान सोचता है और अक्सर उसके जहन में आता है, वो ये कि आईटी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम इसमें कौन सी चीज़ पढ़ें, किस चीज़ का स्कोप ज़्यादा है, किस चीज़ की मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है। और ये सवाल आना भी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटियों से फारिग होकर बिल आखिर स्टूडेंट्स ने इंडस्ट्री की तरफ आना होता है, और उनको चाहिए कि अपनी स्टडी के दौरान कम से कम कोई एक कैरियर पाथ अपना अपनाएं, ताकि और उस कैरियर पाथ से रिलेटेड स्किल्स डेवलप करें, ताकि जो ही वो इंडस्ट्री की तरफ आएं तो उनको जॉब हासिल करने में दुश्वारियां ना हों। तो आज की वीडियो में हम इस पे बात करेंगे कि कौन कौन से पॉसिबल कैरियर पाथ्स हो सकते हैं आईटी के अंदर, और इससे रिलेटेड स्किल्स का भी हम, इससे रिलेटेड टूल्स और फ्रेमवर्क्स का भी हम जिक्र करेंगे, जिन पे जो है ना वो अबूर हासिल करना इस बात का ज़ामिन होगा कि जो ही स्टूडेंट्स अपनी स्टडी से फारिग होके इंडस्ट्री की तरफ आएंगे तो मार्केट के अंदर उनके लिए अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो मेरे नज़दीक जिस फील्ड में सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आईटी के अंदर, वो है एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या है, यूँ समझिए कि
बिज़नेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाना जो है ना उसे हम इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट कहेंगे। दुनिया में बेपनाह किस्मों के बिज़नेस किए जाते हैं, बिज़नेस छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, तो जितनी डाइवर्सिटी बिज़नेसेस के अंदर है उतनी ही डाइवर्सिटी फिर आपके पास आपके कैरियर के अंदर पैदा हो जाती है अगर आप इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स में महारत हासिल करते हैं। इस वक्त जदीद दुनिया में या तरक्की याफ्ता ममालिक में कोई भी ऐसा बिज़नेस जो है ना, जो थोड़ा सा भी स्टेबल बिज़नेस है, वो विदाउट सॉफ्टवेयर के चलाना सोचा नहीं जा सकता कि हम उसे विदाउट सॉफ्टवेयर के चला सकते हैं। तो बीसियों तरह के सॉफ्टवेयर जो हैं वो बिज़नेस को रन करने के लिए दरकार होते हैं, तो इन तमाम सॉफ्टवेयर्स को बनाने वाले हम ही लोग हैं, हम ही इंजीनियर्स हैं। तो इस तरह बेपनाह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं अगर आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। तो मेरे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल जॉब्स के लिहाज से आईटी की आईटी का पाथ या फील्ड होगी वो होगी एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी और वसी फील्ड है, इसमें यह है कि हर तरह की बिज़नेस एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि ERP सिस्टम, बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंटरप्राइज पोर्टल्स, फिर इसके अलावा बिज़नेस टू बिज़नेस सॉफ्टवेयर्स, बिज़नेस टू कंज्यूमर सॉफ्टवेयर्स, तरह तरह की बेपनाह किस्मों के सॉफ्टवेयर हैं जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपर ने बनाने होते हैं। तो अब ये तमाम किस्मों के सॉफ्टवेयर क्या हैं, इन पर डिस्कस करना इस वीडियो के स्कोप से बाहर है, इन पर फिर कभी बात करेंगे। तो हम अब बात करते हैं कि अगर आपने एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आना है तो इसके लिए कौन सा टूल या लैंग्वेजेस जो है ना वो आपको अपनी स्टडी के दौरान या स्टडी से फारिग होने के बाद जब भी आपको मौका मिले आपको इन पे ग्रिप हासिल करनी है। तो इसके लिए जो ब्रेड एंड बटर है एक इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपर का, या जो सबसे मेन एक चीज़ है जो उसको सीखनी है, वो है या तो जावा इंटरप्राइज एडिशन या फिर माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क। अब इन दोनों में से किस तरफ जाया जाए ये अगेन एक बहस हो जाएगी, मगर इसको फिर किसी वीडियो पे मौखर करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में ये समझ लेना ज़रूरी है कि इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप सिलेक्ट करें, और अगर मुझे कोई कहे कि आप क्या पिक करेंगे तो मैं जो है ना वो जावा इंटरप्राइज एडिशन को पिक करूँगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये जो है वो हर किस्म के प्लेटफॉर्म पर रन हो जाती है, और इसके अलावा ये है कि ओपन सोर्स है, छोटी कंपनियां भी इसको इस्तेमाल करती हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसे इस्तेमाल कर रही हैं। फिर इसके अलावा जो है ना वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट की तरफ भी आपका दरवाज़ा ओपन हो जाता है, क्योंकि उसमें भी कोडिंग जो है वो जावा की होती है। तो इसके अंदर अगर आप जावा और जावा इंटरप्राइज एडिशन की तरफ आते हैं तो मेरे नज़दीक इसमें ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल होंगी। अच्छा, बिज़नेस एप्लीकेशंस जो है ना उनकी चूँकि बहुत बड़ी वैरायटी और एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, लेकिन टेक्निकली अगर उन्हें डिवाइड करें ना तो वो भी जो है ना दो मेजर किस्म की एप्लीकेशन होती हैं, या तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती हैं या फिर जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होती हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन से मुराद है स्टूडेंट्स को समझाने के लिए कि जो एक कंप्यूटर पे एप्लीकेशन रन होती है वहीं पे सारा सॉफ्टवेयर होता है। मिसाल के तौर पे आपकी एडोब फोटोशॉप है या MS ऑफिस है या कोई भी एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल है और वहीं पे आप उसको यूज़ कर रहे हैं, उसका इंटरनेट से या नेटवर्क से कोई ताल्लुक नहीं होता। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन वो होती है कि जिसमें सर्वर होता है, क्लाइंट होता है, जिस तरह आप एक मिसाल के तौर पर एक आपकी वेबसाइट होती है जिसमें जो है ना वो आप अपने क्लाइंट से सर्वर को एक्सेस करते हैं और आपकी जो एप्लीकेशन है वो इंटरनेट पे भी दस्तयाब होती है और मुख्तलिफ कंप्यूटरों पे मिलके जो है ना वो नेटवर्क पे दस्तयाब होती है, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कहते हैं। तो इस वक्त दुनिया में डेस्कटॉप एप्लीकेशनें भी बन रही हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशनें या वेब बेस्ड एप्लीकेशनें भी बन रही हैं, लेकिन ज़्यादा जो एप्लीकेशन हैं डेफिनेटली वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, क्योंकि उसके अंदर फ्लेक्सीबिलिटी होती है और भी बहुत सी वजूहत हैं। तो एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में, इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट में फिर फर्दर जो है ना वो आपको अगर ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपनी इंक्रीज़ करनी है तो आपको वेब एप्लीकेशंस की तरफ आना चाहिए, और वेब एप्लीकेशन में फिर डेफिनेटली बैक एंड होता है और एक फ्रंट एंड होता है। बैक एंड जो है वो सर्वर साइड होता है जबकि फ्रंट एंड जो है वो क्लाइंट साइड होता है। समझाने के लिए वंस अगेन, सर्वर साइड जो है वो आपकी जो है ना वो आप उसे देख नहीं रहे होते, वो दूर किसी कंप्यूटर पे वो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, उस कंप्यूटर को आप सर्वर कहते हैं, जबकि जो आम यूज़र है जो चीज़ वो अपने ब्राउज़र में देख रहा है वो उस सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड होता है। तो दोनों तरह के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है ना वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं,
कुछ बैक एंड को प्रोग्राम करने वाले होते हैं और कुछ फ्रंट एंड को प्रोग्राम करने वाले होते हैं। तो आप इसमें फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हैं और बैक एंड भी बन सकते हैं। और अगर आपने दोनों फील्ड्स की स्किल्स, दोनों डायरेक्शंस की स्किल्स आपके पास हैं, तो फिर आप फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। फुल स्टैक वो होता है जो बैक एंड भी जानता है और फ्रंट एंड भी जानता है। और इसके बाद की एक चीज़ होती है जिसको डेव ऊप कहते हैं इंडस्ट्री में, जो है वो बैक एंड भी जानता है, फ्रंट एंड भी जानता है और डिप्लॉयमेंट भी जानता है। एक जो इन इस पूरे सॉफ्टवेयर को तैयार होने के बाद डिप्लॉय किया जाता है मुख्तलिफ जगहों पे, इसको बिल्ड किया जाता है, इसको डिप्लॉय किया जाता है, उससे रिलेटेड जो टूल होते हैं उसका भी उसको नॉलेज होता है। तो फुल स्टैक जो इंजीनियर होता है उसकी जारी बात है और ज़्यादा ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं उसके लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है ना वो फुल स्टैक बने। आपको अपना इंटरेस्ट देखें, जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है आप कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किल्स जो है ना वो फर्दर डिवेल्प कर सकते हैं। तो इंटरप्राइज एप्लीकेशन के अंदर आपको वापस आते हैं टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ पे, तो इंटरप्राइज एप्लीकेशन के अंदर अगर आपने बैक एंड की तरफ जाना है तो आपको जावा इंटरप्राइज एडिशन, और इसके साथ अगर आप अपने ऑप्शंस मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक चीज़ है। अगर आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क भी साथ सीख लेते हैं तो आपके ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं बैक एंड की दुनिया में। और अगर इससे भी ज़्यादा आप अपने ऑप्शंस इंप्रूव करना चाहते हैं और मॉडर्न जो सॉफ्टवेयर हैं या जो कंप्लीट जो इंतहा जो बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी है बैक एंड की दुनिया में, तो अगर उसको भी आप सीखना चाहते हैं तो वो है नोड JS। इसको आप गूगल करें, इसके बारे में पढ़ें। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट की एक 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 ऐसी किस्म है कि जिसमें जावास्क्रिप्ट को वो फ्रंट एंड से उठा के बैक एंड पे ले आए हैं। और नोड JS जो है वो आजकल के दौर की एक नई चीज़ है, जो अगर आप सीखते हैं तो फ्यूचर में इसके अंदर भी आपको बेपनाह जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती हैं। तो बैक एंड के लिए हमने तीन चीज़ें देख ली, जावा इंटरप्राइज एडिशन, स्प्रिंग फ्रेमवर्क और नोड JS। अगर ये तीनों चीज़ें या इनमें से कम अज़ कम एक या दो चीज़ें आप अपनी स्टडी के दौरान इनमें आप अपनी ग्रिप कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल आपको जॉब स्टार्ट करने में कोई मुश्किल पेश आएगी किसी भी इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। इसमें आपको किसी मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेज में जॉब मिल सकती है जो इन इंटरप्राइज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या फिर इंटरप्राइज़ में डायरेक्ट जॉब मिल सकती है जहाँ पर आप उस बिज़नेस या इंटरप्राइज़ के लिए डायरेक्टली सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो इस पर भी कभी बात करेंगे कि जॉब्स कहाँ से ढूंढनी चाहिए और किस तरह ढूंढी जा सकती हैं, लेकिन इस वीडियो में अभी हम टेक्नोलॉजीज़ और मुख्तलिफ कैरियर पाथ्स पर बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड में आज भी जो बेसिक टेक्नोलॉजीज़ हैं वो वही तीन हैं, HTML, CSS और JavaScript। ये तीन चीज़ें जानना आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना आज से 10 साल पहले था। इसके साथ साथ जो है ना वो आज के दौर में फ्रंट एंड का रिस्पॉन्सिव होना बड़ा ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिव से मुराद ये है कि आप जब वेबसाइट का फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं तो वो सिर्फ कंप्यूटरों पे नहीं चलता बल्कि लैपटॉप के अलावा वो जो है ना वो मोबाइल के ऊपर भी आता है और टैबलेट के ऊपर भी आता है। तो रिस्पॉन्सिवनेस उसमें होनी बड़ी ज़रूरी है कि वो जो यूज़र इंटरफेस आपने डिज़ाइन किया है वो हर तरह की डिवाइस पे चल सके। तो इसके लिए जो है ना वो बूटस्ट्रैप एक चीज़ है और इस तरह की और भी CSS की डिफरेंट APIs हैं जो आप सीख सकते हैं, लेकिन कोर इनकी CSS है। तो इसके अलावा जो जावास्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट, वनीला जावास्क्रिप्ट आज भी इम्पॉर्टेंट है सीखना। उसके बाद फिर उसके ऊपर टेक्नोलॉजीज़ बिल्ड की गई हैं जिनका सीखना ज़रूरी है, लेकिन उनको समझने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी ज़रूरी है। तो उनके अंदर ख़ास तौर पे अब एक नई चीज़ आई है जावास्क्रिप्ट की तरह की है, उसको कहते हैं टाइप स्क्रिप्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट की है। तो वो जावास्क्रिप्ट से थोड़ी बेहतर है, सीखनी थोड़ी सी आसान है। उस टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर फिर दूसरे फ्रेमवर्क्स बिल्ड किए गए हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल एंगुलर आर्ट एक फ्रेमवर्क है जिसको पहले आप एंगुलर JS कहते थे, फिर उसके अलावा रिएक्ट JS एक फ्रेमवर्क है, फिर उसके अलावा स्ट्रट्स फ्रेमवर्क है, फिर उसके अलावा JSF एक फ्रेमवर्क है। तो ये सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं ये फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इन तमाम फ्रेमवर्क्स में से कम अज़ कम एक से दो फ्रेमवर्क अगर आपको आते हैं तो आप फ्रंट एंड की दुनिया में आपको जो है ना वो काम जो है वो मिल सकता है। तो बेसिक्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, जिनमें HTML, CSS और JavaScript, और इन बेसिक्स के साथ आप एक या दो फ्रेमवर्क अगर आपको आते हैं तो आप एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं। ये तो था इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट।
इसी के ज़ेली ब्रांच मैं कहूँगा कि अगर आप, क्योंकि आजकल की जो एंटरप्राइजेज़ हैं, डे बाय डे लोग जो हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर के बाद लैपटॉप पे आए, और आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में मैक्सिमम लोगों के पास टाइम तक नहीं है लैपटॉप खोलने का, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो मोबाइल के ऊपर आ चुके हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन डिवेलपमेंट जो है ना वो भी बड़ी तेज़ी से एक फील्ड बनती जा रही है। तो इस सिलसिले में ज़ाहिर बात है सबको पता है कि दो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, एंड्रॉयड और iOS। तो अगर आप इस तरफ जाना चाहते हैं तो आप एंड्रॉयड के अंदर जो है वो जावा में सबसे पहले अपना हाथ सीधा करें, यानी जावा ही बेसिक लैंग्वेज है जिसमें आप एंड्रॉयड की कोडिंग करते हैं। और उसके बाद अगर आप कर सकते हैं तो कॉटलिन सीखें। कॉटलिन एक नई लैंग्वेज आई है जो एंड्रॉयड के प्रोग्रामर आजकल यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड को डिवेल्प करने में। इसका कोड और जावा का कोड एक दूसरे के साथ चेंज किया जा सकता है, मगर वक्त रफ्ता रफ्ता जो है ना वो लोग जो एंड्रॉयड डिवेल्पर हैं वो कॉटलिन की तरफ मूव कर जाएंगे फ्यूचर में। तो इस दोनों चीज़ों में आप जो है ना वो अपनी स्किल हासिल कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। इसको मैं एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के अंडर इसलिए ले रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी एंटरप्राइजेज या बिजनेसेस हैं जो ऐप्स के ज़रिए हो रहे हैं आजकल। तो पहले वो लोग बैक एंड अपना तैयार करते हैं, फिर अपना एक फ्रंट एंड उनका होता है, जो एक तरफ वेबसाइट होती है और एक और फ्रंट एंड होता है जिसको हम ऐप कहते हैं। तो ऐप असल में और कुछ भी नहीं है, उसी बैक एंड का एक और फ्रंट एंड जो मोबाइल के अंदर चलता है, मोबाइल फ्रेंडली होता है। तो एंड्रॉयड ऐप्स अगर आपने डेवलप कर दी हैं तो फिर आप कॉटलिन और जावा की तरफ आएँ, और उसके बाद अगर आपने iOS यानी आईफोन वगैरह के लिए ऐप्स डेवलप करनी है तो उसके लिए पहले जो है वो लोग ऑब्जेक्टिव सी में ये चीज़ें डेवलप किया करते थे, मगर अब एक और चीज़ आई है स्विफ्ट। तो इस वक्त जो है वो ज़्यादातर लोग स्विफ्ट के अंदर iOS की ऐप्स डेवलप कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव सी में आप काम ख़त्म हो गया है या जावा के अंदर आप एंड्रॉयड्स की ऐप बन नहीं रही। सॉफ्टवेयर जब बनता है तो वो कम से कम 20, 25 या 30 सालों के लिए उसने चलना होता है। जो कंपनी उस पर इन्वेस्ट करती है तो वो उसको फिर आगे लेके चलती है, उसको फिर मेंटेन करने के लिए, उसके बग्स निकालने के लिए, उसमें नए फीचर ऐड करने के लिए डेवलपर्स उनको लगातार चाहिए होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ अभी जो है ना वो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो आज भी मुख्तलिफ कंपनियों में कोबोल के डेवलपर होने चाहिए, हालांकि कोबोल अब एक ऑब्सोलीट लैंग्वेज हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आज भी मार्केट में सॉफ्टवेयर हैं जो कोबोल के वक्तों से बने हुए हैं और आज भी चल रहे हैं और उनको आज भी मेंटेन रखना पड़ता है। तो इसलिए कोई भी टेक्नोलॉजी उसका लाइफ स्पैन इतना छोटा भी नहीं होता, मगर आपको वक्त के साथ नई टेक्नोलॉजी सीखनी ज़रूरी इसलिए है कि आपके ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा ओपन हो सकें। खासतौर पे आईटी की फील्ड में आपको वक्त के साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप डिपेंडेंट नहीं होते किसी एक टेक्नोलॉजी के, आपके पास हज़ारों ऑप्शंस नए खुलते चले जाते हैं जब भी आप कोई नई टेक्नोलॉजी या टूल मेहनत करके सीखते हैं। तो इस काम के लिए आप हमेशा तैयार रहें अगर आप आईटी में आए हैं, कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए नई टेक्नोलॉजी सीखने का। फिर जो है ना वो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो है ना इस जो रोक सके आपको जॉब लेने में। जहाँ जो मेरा कहने का मकसद है वो ये है कि अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, आपने रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज हासिल कर की हुई हैं जो जिनकी मार्केट में डिमांड है, तो फिर जॉब ना मिलना जो है ना ये हो नहीं सकता। तो आगे चलते हैं, ये तो थी इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और साथ में हमने थोड़ा सा देख लिया मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स के बारे में। इसके बाद आती है गेम डेवलपमेंट, ये भी एक फील्ड है, इसमें भी काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी काम हो रहा है। इसके लिए अगर कोई किसी बंदे का इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो ज़रूर वो इसकी रिलेटेड टेक्नोलॉजी सीखे। इसमें ज़्यादातर जो है वो एक आध आपको गेम इंजन सीखना पड़ता है। इसमें जो मैक्सिमम यूज़ होने वाला गेम इंजन है यूनिटी है, मिसाल के तौर पे जो मल्टी प्लेटफॉर्म है और मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। तो आप यूनिटी सीखें अगर आपको गेम के साथ इंटरेस्ट है, फिर साथ में डेफिनेटली कोई लैंग्वेज आपको सी शार्प या फिर जावा वगैरह साथ में सीखनी पड़ेगी। इसके अलावा ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के टूल्स आपको जो है वो सीखने पड़ेंगे अगर आपने साथ में 3D ग्राफिक्स वगैरह पे काम करना है। इसमें ब्लेंडर है, माया है वगैरह वगैरह और भी टूल हैं, तो ये एक अलग से फील्ड है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि स्टार्ट जो है ना वो इंसान को इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ ही लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है ना वो रिलेटिवली ज़्यादा सिक्योरिटी है। बाकी की जो ज़ेली ब्रांचेज हैं उनमें इंसान वक्त के साथ भी स्विच कर सकता है। एक और फील्ड है जिसको हम एम्बेडेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, या जिसके अंदर आप C या C++ के अंदर कोड जो है
है वो लिख के तो चिप्स के अंदर एम्बेड करते हैं, जो फिर माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो प्रोग्रामिंग जिसको आप कह सकते हैं, ये इसकी जो जॉब्स हैं ये ज़्यादातर ऑटो इंडस्ट्री या एरोनॉटिकल इंडस्ट्री या ऐसी चीज़ों में हैं। तो वेस्ट के अंदर जो कंट्रीज़ हैं ख़ासतौर पर जर्मनी या फ्रांस वगैरह, इनके अंदर तो ये इस तरह की इंडस्ट्री काफ़ी है, तो इधर जॉब्स तो आपको इन कंट्रीज़ में आपको जॉब मिल सकती हैं। मगर बाकी की जो कंट्रीज़ हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या फिर मिडल ईस्ट वगैरह में, इनके अंदर जॉब लेना थोड़ा सा दुश्वार होगा, क्योंकि इस तरह की प्रोग्रामिंग को जो इंडस्ट्री दरकार है वो हाईली कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री होती है और वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर ही होती है। तो अगर आपको इस फील्ड में जाने का इंटरेस्ट है तो ज़रूर आप सी और सी प्लस प्लस में महारत हासिल करें और इस तरफ अपना कैरियर आप स्टार्ट कर सकते हैं। मगर मेरा मशवरा यही रहेगा कि अगर आप शौकिया तौर पे अपना कैरियर बना रहे हैं और आपको कोई ख़ास प्रेशर नहीं है जॉब हासिल करने का और फिनांशली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ज़रूर आप इस तरह की चीज़ों में आएँ। मगर सेफ़ पाथ जो है ना वो मैक्सिमम लोगों को अपनाना चाहिए, जिसमें वो अपने पाँव पे एक बार खड़ा हो सकें, उसके बाद वो अपने शौक के मुताबिक अगर चाहें तो अपने कैरियर स्विच करते रहें। ये तो खैर मेरे ख्याल में काफ़ी ब्रॉड कैटेगरीज थी मुख्तलिफ फील्ड्स की। इसके अलावा आजकल काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं आईटी के अंदर जो काफ़ी जिनकी हाइप होती है मार्केट के अंदर, जिस तरह मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर बिग डेटा एक चीज़ है, फिर इंटरनेट ऑफ थिंग जिसको IoT कहते हैं, इसके बारे में काफ़ी कुछ हो रहा है, फिर इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग है, फिर और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी जो है ना, इनके अंदर भी एक्सपर्टीज़ अलग से डेवलप की जा सकती हैं और इनके अंदर भी डेफिनेटली काफ़ी सारी जॉब्स हैं। मगर इन सब के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो कोर आपको टूल्स दरकार है ना, वो वही हैं जिनकी हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं। तो अगर आप उनके अंदर आपको महारत है तो फिर इनके अंदर स्विच करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके लिए चंद एक आपको चीज़ें एक्स्ट्रा सीखनी पड़ेंगी और आप इसके अंदर भी स्विच कर सकते हैं। तो लेकिन जो कोर या बेसिस जो आपकी हैं वो किसी सॉलिड जो है ना लाइन के ऊपर डेवलप होनी चाहिए, उसके बाद जो छोटी मोटी डेविएशन है वो आप ड्यूरिंग द कैरियर भी जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये जो बाकी की चीज़ें जिनका अभी मैंने जिक्र किया है एंड पे, इनके बारे में आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर, और हम भी कभी इंशाल्लाह इसके ऊपर अलग से जो है ना वो वीडियोज़ इन मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के बारे में अलग अलग वीडियोज़ भी करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ना वो क्या है। ये आज हमने जो बात की है ना ये सिर्फ प्रोग्रामिंग रिलेटेड स्टफ़ है, जिसमें आपने ना कोडिंग या प्रोग्रामिंग करनी है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ना वो इससे बढ़ के है। जब आप बैचलर्स डिग्री करते हैं 8 सेमेस्टर की या फिर 2 साल का मास्टर करते हैं उसके बाद, तो इंडस्ट्री आपको एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्सपेक्ट कर रही होती है, ना कि एक प्रोग्रामर। प्रोग्रामर जो होता है वो कोई बंदा भी 6 मंथ या 1 साल का किसी भी लैंग्वेज का कोई डिप्लोमा करके वो प्रोग्रामिंग या कोडिंग कर सकता है, मगर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो उसके पास कॉन्सेप्ट होते हैं सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के, डिवेल्प करने के और मेंटेन करने के और ग्रो और एक्सटेंड करने के और रिलायबिलिटी के और वगैरह वगैरह, और बहुत कुछ आता है इसके अंदर। तो इससे रिलेटेड भी बेपनाह टूल्स हैं जो मार्केट में यूज़ होते हैं और जिनके ऊपर ग्रिप अगर आपको हो या जिनके बारे में एटलीस्ट आपको नॉलेज हो या आपको पता हो या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, तो बेपनाह अच्छे जो है ना वो चांसेस आपके हो जाते हैं जॉब हासिल करने के, क्योंकि इंटरव्यूज़ वगैरह में या आपके CV में अगर इन टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होगी या इन मेथडोलॉजीज़ या फ्रेमवर्क्स के बारे में जिक्र होगा, तो जो भी अगली कंपनी का बंदा होगा वो डेफिनेटली इस चीज़ को पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव लेगा कि आपने जो है ना वो आपकी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी हुई हुई है। तो इन टूल्स और इस पूरे सॉफ्टवेयर प्रोसेस के बारे में और इन फ्रेमवर्क्स के बारे में वक्तन हम मुख्तलिफ वीडियोज़ में जिक्र करते रहेंगे। आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहें और इसकी वीडियोस जो है ना वो ऐसे लोगों में शेयर करें जो जिनका ताल्लुक जो है ना वो इंजीनियरिंग, IT, यूनिवर्सिटी और ऐसी कम्युनिटी के साथ है कि जहाँ पे इन वीडियोस को शेयर करने का फ़ायदा हो सकता है। तो बाकी ये है कि हम सिर्फ आप लोगों को डायरेक्शन दे सकते हैं, फ़ाइनल एफर्ट करना जो है ना वो आपकी ज़िम्मेदारी है, और ये बात ज़ेहन नशीन रखनी चाहिए कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो एफर्ट करता है। और इकबाल के एक शेर पे हम आज अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं कि वो कहते हैं कि चाहते सभी हैं कि हों औजे सुरैया पे मुकीम,
पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम, यानी दिल सब का करता है कि हम जो है ना वो आसमान की बुलंदियों को छू जाएं और आला तरीन जॉब पे फायज हो जाएं और अच्छी पे हमें मिले और सब कुछ हो, मगर उसके लिए दरकार जो एफर्ट है या जो जो लगन या मेहनत है वो करने के लिए ना बहुत कम लोग तैयार होते हैं। तो ख्वाब जो है ना वो ज़रूर देखें, मगर उनको पूरा करने के लिए जो रोड मैप है, जो लगन है, जो मेहनत है, जो प्लान है, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। अगर उसके लिए आप तैयार हैं तो फिर स्काई इज़ द लिमिट, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो यही है कि हार्डवर्क और एफर्ट इन राइट डायरेक्शन विद प्लान इन माइंड, इन चीज़ों का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो चैनल देखते रहिए, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में और भी डिफरेंट किस्म की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।